हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की खुशी में मेक इन इंडिया के तहत 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान किया है। अभी तक 30 लाख युवा सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन जल्द से जल्द सबमिट करें। फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूं कि ऐसा कोई योजना सरकार द्वारा नहीं निकाली गई है। ये जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है यहाँ पे अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ाने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ऐसा फेक न्यूज यहाँ पे फैलाया जा रहा है। आपको बता दूं, अगर ऐसा कोई भी योजना अगर सरकार द्वारा जारी की जाती है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसको एडवर्टीजमेंट करना होगा सरकार को। अगर इसको बताना होगा तो यहाँ पे चैनल होते हैं, जो न्यूज चैनल होते हैं, जो ऑफिशियल न्यूज चैनल होते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल होते हैं, वहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा, ना कि ये बेतुका तरीका अपनाया जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप पर लिंक शेयर किया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप लोग को बता दूं कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है। ऐसा कोई योजना सरकार द्वारा नहीं निकाली गई है। अब आपको बता दूं कि ऐसा जो है, मुझे ये सब बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इस पर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से ये जो लिंक है केवल और केवल व्हाट्सएप पर वायरल हो रही थी, लेकिन कुछ दिनों से ये जो लिंक है यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे गूगल पे आपको मिल जाएंगे। अगर मोदी लैपटॉप योजना के नाम से सर्च कीजिएगा आर्टिकल तब तो ठीक है। अब यहाँ पे जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे, उस पर भी ये जो इस योजना के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ तक बोल दिया गया है कि इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जुलाई में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो आप लोगों को बता दूं, ऐसा कोई योजना मोदी सरकार या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं निकाली गई है। अगर ऐसा योजना निकाली जाती है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसके जो मंत्रालय होता है संबंधित मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी किया जाता है। और आपको बता दूं कि इसका पड़ताल जो है, जो दैनिक भास्कर का जो पड़ताल टीम है, इसका पड़ताल भी किया हुआ है। अगर आप इस पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में दिया गया है। आप देख सकते हैं इस लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा था। इस लिंक को आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा पेज ओपन हो रहा था। फिर आगे जाने पर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था। रजिस्ट्रेशन में आपको बता दूं कि अगर आप पर्सनल डिटेल फिल करते हैं यहाँ पे, तो ये जो इनसिक्योर वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप अगर आप जाते हैं, अगर आपको इस लिंक को मिलता है तो आप क्लिक करके केवल देखिएगा, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं डालिएगा। देखिएगा कि इस वेबसाइट में आपको HTTP केवल लिखा हुआ था, HTTPS नहीं लिखा हुआ था, यानी जो S यहाँ पे नहीं है, उसके चलते यहाँ पे पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है इनसिक्योर है। यहाँ से आपके प्राइवेसी को लीक किया जा सकता है, आपके डाटा को चुरा कर अगले स्तर पर यहाँ पे सेल किया जा सकता है। यहाँ पे आपके जो डाटा है वहाँ से लीक किया जा सकता है और इसको सेल करके वहाँ पे बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये सब करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है और ये जो एजुकेशनल न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें भी सुनकर बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, इसीलिए मैं आप लोगों को सावधान कर दे रहा हूँ। ये जो न्यूज है केवल यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फैलाया जाता है, वेबसाइट को मोनेटाइज करके और यहाँ पे पैसा कमाने के लिए केवल ऐसा न्यूज फैलाया जाता है, ठीक है। ऐसा कोई योजना सरकार द्वारा नहीं निकाली गई है। और आपको बता दूं कि अगर आप इस पेज को पढ़ना चाहते हैं, पूरा पड़ताल किया हुआ है दैनिक भास्कर ने, मैंने शॉर्ट रूप में आपको बता दिया है। और इस पे आप देख सकते हैं जो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, ये भी यहाँ पे छपा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के जो न्यूज पेपर है उसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं छपा हुआ है फ्रॉड्स ऑफर फ्री लैपटॉप्स अंडर मेक इन इंडिया, ठीक है। तो मेक इन इंडिया के तहत ये जो फ्रॉड किया जा रहा है केवल और केवल यहाँ पे मेक इन इंडिया का नाम लेकर यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है और यहाँ पे व्हाट्सएप पर लिंक को फैलाया जा रहा है और यहाँ पे यूट्यूब पर भी कुछ यूट्यूबर यहाँ पे इस पे वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ पे जुलाई से तो अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। कुछ लोग बोल रहे हैं जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये योजना सरकार द्वारा नहीं निकाली गई है, ठीक है फ्रेंड्स। बस यही आपको अपडेट देना था और आपको बता दूं कि आपका प्राइवेसी आपका मैटर है और मैंने आपको बता दिया है। जैसे बोला जाता है कि यात्रीगण कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो ऐसे ही ये डिजिटल युग है, आप अपने जो प्राइवेसी है, आपका जो पर्सनल डिटेल है, उसका सुरक्षा स्वयं करें। और आपको बता दूं कि ऐसा कुछ अपना पर्सनल डिटेल कहीं पे भी फिल करने से पहले 100 बार सोचिएगा, फिर अपना पर्सनल डिटेल कहीं पे डालने के लिए, कहीं पे फिलअप करने के लिए सोचिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।